हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो भाई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास तक क्या पढ़ चुके हैं, वीबीटी। मैं आपको समझा था कि वीबीटी जो ना फेल हो गया है, वीबीटी फेल हो गया है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि संकुल यौगिक में इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है, सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, वैसे इसका फुल फॉर्म होता है सीएफटी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत नाम है। लेकिन इसके अंदर स्प्लिटिंग होता है, विपाटन मतलब कि टूट जाना, दो भागों में बट जाना। तो सीएफटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीबीटी फेल हो गया था। तो वीबीटी का फेलियर क्यों फेल हुआ ना, आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है चार लाइन। वैसे मैंने पिछले क्लास में ना समझा देता लास्ट में कि वीबीटी भाई साहब जो है ना ये नहीं बता पाया कि लिगेंड कोई प्रबल दुर्बल क्यों होता है। दूसरी बात, वीबीटी से यह भी पता नहीं लग पाता है कि अगर तापमान घटेगा या बढ़ेगा तो उसकी पर जो चुंबकीय प्रकृति है वो भी घटती बढ़ती है। और तीसरी बात क्या है कि ये भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि संकुल रंगीन क्यों होता है और रंगीन क्यों होता है। तीन बात हो गई। चौथी बात क्या था इसके अंदर, हाँ तो लिगेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कहां से दे नहीं पाया था। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं स्टार्ट सीएफटी की। तो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना, यहां तक आने के लिए और इससे आगे और जाएंगे उसके लिए पहले से बोल देता हूं धन्यवाद। हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखो ये बड़ी सीक्रेट बात थी, मैंने पहले ही बोल दिया है ना। वाह देखो सीएफटी क्या कहता है, सुनो वीबीटी ने क्या कहा था, वीबीटी ने कहा था कि वहां पर क्या बनता है, उप सह संयोजन आवरण बनता है, नहीं बनता है, लिगेंड के बीच में और केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों के बीच में क्या बनता है, उप सह संयोजन आवरण बनता है। उसने कहा था कि सीएमए केंद्रीय धातु परमाणु की रिक्त कक्षाएं कौन सी, ये, और जो होता है सीएन, सीएन कह रहा हूं लिगेंड, लिगेंड का ये तो मान लो मेरे पास का धातु हो गया, ये कक्षाएं आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, क्या करते हैं, और फिर होते हैं संकरित। लेकिन सीएफटी भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। देखो सीएफटी कहता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है, मान लो एम है धातु, क्या है, और लिगेंड, ये तो होगा प्लस वाला और ये होगा माइनस वाला, यानी कि शुद्ध रूप से दोनों के बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है क्या, वैद्युत आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत आकर्षण की तरह काम करता है। यानी ये माइनस वाला होगा लिगेंड और ये प्लस वाला होगा और इसके बीच में बिल्कुल आयनिक आबंध बनेगा, कौन सा बनेगा, आयनिक, समझते हो, आयनिक का मतलब ये होता था कि एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को देगा और दूसरा स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी दो जो देगा वो तो क्या होगा प्लस वाला होगा और जो लेगा वो माइनस वाला, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि आयनिक आबंध की घोषणा कर दी इसने, बिल्कुल डिफरेंट है सीएफटी वीबीटी से। और ना एक बार हम एनसीईआरटी लाइन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, देखो एनसीईआरटी लाइन कह रहा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत सीएफटी एक स्थिर वैद्युत मॉडल है। क्या बोला इसने, अब जहां स्थिर वैद्युत की बात आ गई ना वहां पर हमें एक ही बात समझना है कि प्लस माइनस, प्लस आयनिक की बात हो रही है, स्थिर वैद्युत मॉडल है जिसके अनुसार धातु लिगेंड, क्या बोला इसने, धातु कौन था बताओ, एम, और लिगेंड तो सब जानते ही हो, धातु लिगेंड ये कैसे होंगे, आबंध आयनिक होते हैं, आयनिक आबंध केवल और केवल तब बनते हैं जब ये प्लस माइनस वाले होते हैं, जो केवल धातु आयन, क्या बोला इसने, धातु आयन यानी सीएमए की बात हो रही है, और लिगेंड के मध्य, लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्या बोला इसने, तो फिर सुनो, लिगेंड के मध्य यानी कि M फॉर सीएमए केंद्रीय धातु परमाणु और साथ में लिगेंड, इनके बीच में क्या होता है, स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रिया, अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, यानी कि प्लस माइनस,
आप पढ़ते हो ना फिजिक्स में पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी, तो वहां पर क्या पढ़ते हैं, एक आवेश होता है प्लस वाला, एक आवेश होता है माइनस वाला, है ना। अब वहां पर चेक करते हो कि उनके बीच में क्या होता है, अन्योन्य क्रिया है, मतलब इंट्रैक्शन, आकर्षण प्रतिकर्षण, ये तो होता है। कुलाम ने भी तो यही कहा था, आकर्षण प्रतिकर्षण, है ना, एक बल लगता है। सेम यहां पर वही चीज यहां पर भी कह रहा है। ये बात अभी तक लिगेंड के और सीएमए के बीच में सीबीटी में नहीं था, सीबीटी कह रहा हूं, सीएफ वीबीटी में नहीं था, तो वीबीटी में था नहीं, इसके अंदर है। तो आपको पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि हमारा सीएफटी किस पर आधारित है, स्थिर वैद्युत मॉडल पर, ठीक है ना, जिसके अनुसार धातु लिगेंड आयनिक आबंध होते हैं, जो केवल धातु आयन लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ो, ऋणावेशित लिगेंडों को बिंदु आवेश के रूप में और उदासीन लिगेंडों को बिंदु द्विध्रुव के रूप में माना जाता है। नहीं आई बात समझ में, जो लिगेंड नेगेटिव वाले होते हैं, मतलब सीएल हो गया, बीआर हो गया, सीएन हो गया, ये सब लिगेंड कौन से होते हैं, ऋणावेशित लिगेंड होते हैं। तो अगर ये मेरे पास मान लो धातु है, तो ये बिंदु आवेश की तरह काम करते हैं, सीएल हो गया माइनस में, तो मान लो माइनस बिंदु आवेश है और ये प्लस बिंदु आवेश हो गया, तो इनके बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन, अन्योन्य क्रिया, क्या होगी, अन्योन्य क्रिया, मतलब इंट्रैक्शन बोलते हैं उसको। तो इसके बीच में वही सब होता है भाई, बिंदु आवेश की तरह काम करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, पूछ लेता है कि बताओ सीएफटी किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है, तो आप सिंपली बोल देना भाई स्थिर वैद्युत मॉडल। इसका मतलब ये होता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु एम है और जो लिगेंड है, उसके बीच में क्या होता है, आकर्षण, अन्योन्य क्रिया और आयनिक आबंध बनता है। अब इसके अनुसार जो लिगेंड नेगेटिव वाले होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे बिंदु आवेश, ऋणावेशित बिंदु आवेश, क्या बोलते हैं, ये रहा, ऋणावेशित लिगेंडों को एक बिंदु आवेश के रूप में और उदासीन लिगेंडों को बिंदु द्विध्रुव के रूप में माना जाता है। अब उदासीन लिगेंड कौन से होते हैं, हमारे पास मान लो अमाइन है, एमिन है कि नहीं है, NH3, आप इसे उदासीन लिगेंड कहते हो। तो जब भी लिगेंड बना होगा ना, तो ऐसे बना होगा, देखो ध्यान से, N और H इधर होगा, H इधर होगा, खैर ऐसा नहीं होता है, और यहां पर क्या होगा, माइनस। तो N क्या होता है, ज्यादा विद्युत ऋणी होता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव रहता है और H के ऊपर पॉजिटिव होता है, तो क्या बना, द्विध्रुव, क्या बन गया, ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, तो ये प्लस माइनस जिसमें आता है एक ही अणु के अंदर, उसे तो कहते हैं द्विध्रुव, ठीक है भाई। और भी हमारे पास है जो उदासीन लिगेंड है, हमारे पास CO है, H2O है। अब H2O को देख लो ध्यान से, H2O जो लिगेंड है, इसमें O ऐसे होता है और H ऐसे होते हैं, ठीक है भाई, नहीं होते। अब ये जो O है, डेल्टा नेगेटिव में आता है, ये डेल्टा पॉजिटिव में आता है, बन गया इसमें तो द्विध्रुव, है ना। तो ये द्विध्रुव मतलब कि प्लस और माइनस, डाइपोल बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। तो इस फॉर्म में रहता है उदासीन लिगेंड, और फिर ये माइनस वाला जो होता है वो इंटरेक्ट करता है किससे, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में, ठीक है ना। ऐसे मेरे पास कौन हो गया, CO, कार्बोनिल, कार्बन डबल बॉन्ड O बना लेता है। अब यहां डेल्टा नेगेटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव, इसी एक ही अणु के अंदर प्लस और माइनस दोनों है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये विद्युत ऋणी तत्व है, उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, इस O को लगता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, तो डेल्टा नेगेटिव शो करता है और ये डेल्टा पॉजिटिव शो करता है, ठीक है। इस प्रकार से उदासीन लिगेंड जो होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं, वो द्विध्रुव यानी कि डाइपोल के रूप में काम करता है, ठीक है ना। ऐसा मानना है किसका, वीबीटी का। तो वीबीटी ने क्या बताया, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो लिगेंड की बात समझ में आ रहा है, अरे लिगेंड का इंटरेक्शन कैसे है सीएमए के साथ में, सीएमए के साथ में ना आपको पता होना चाहिए। तो इतना बात तुमको पता चल गया ना, तो आप इतना तो लिखोगे ही सीएफटी के लिखने के बाद में, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, अभी आप इसको लिखोगे अपने नोट्स में, सीएफटी डाल करके सारी बातें पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है ना, पॉइंट वाइज कि क्या कहता है, ठीक है ना। अब क्या बोलता है, किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु, अरे तेरी गायब हो गया, क्या बोला, किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु, ये विलगित मतलब क्या होता है, अकेला गैसीय अवस्था में। जैसे मान लो मैंने कहा निकिल, अगर निकिल ठोस अवस्था में, इसकी बात नहीं हो रही है, गैसीय अवस्था में अकेला किसी के साथ आबंधित नहीं होना चाहिए, ऐसा धातु परमाणु
दिख रहा है आपको, अब तो लिगेंड है मेरे पास, सॉरी ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये आयन भी तो हो सकते हैं, Fe हो सकता, निकिल 2 प्लस भी तो हो सकता है, लेकिन ये धातु आयन है तो गैसीय अवस्था में विलगित होना चाहिए, यानी अकेला होना चाहिए, किसी के साथ आबंधित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे तुम लोग। तो किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु आयन के 5d कक्षकों की ऊर्जा समान होता है। अब ये मान लो हमारे पास कौन है, निकिल, इस लाइन में क्या कहा एनसीईआरटी की, इस लाइन में क्या कहा, ये कहा किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु या फिर आयन के 5d कक्षक की ऊर्जा बराबर होता है, अर्थात ये अभ्रष्ट डीजनरेट कक्षक होते हैं, ये डीजनरेट अवस्था में होते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, ये अभ्रष्ट क्या होता है, अभ्रष्ट या फिर डीजनरेट अंग्रेजी में कहते हैं, कक्षक होते हैं वो कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जाएं समान होती है, क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। डिटेल में मैं आपको सब कुछ समझाता हुआ चलूंगा। अब मान लो हमारे पास कौन है, निकिल है, तो निकिल बताओ तुम लोग 28 नंबर पे है कि नहीं है, तो इसके पास 4s2 होता है और 3d कितना होता है, यहां पर मान लो 2 प्लस नहीं है, 8 होगा इसके ऊपर, तो हम इससे हमें मतलब नहीं, हमें इस 4s से मतलब नहीं है, हमें इस d से मतलब है, d से किससे मतलब है, तो ये वही कहना चाह रहा है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु d ब्लॉक के तो आते हैं उनके जो कक्षक होंगे d, उस d कक्षक के अंदर 5 होते हैं ऑर्बिटल, कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 चार हो गया, एक और मान लेते हैं 5 बन गया, तो इन 5ों की ऊर्जा बिल्कुल एक जैसी है, ऊर्जा बिल्कुल, इसे कहते हैं अभ्रष्ट कक्षक, अपभ्रष्ट, बहुत से लोग समभ्रष्ट भी कहते हैं, एनसीईआरटी कहीं कहीं समभ्रष्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, अपभ्रष्ट यानी डीजनरेट ऑर्बिटल, सॉरी समभ्रष्ट नहीं कहते, ठीक है ना, ओनली अपभ्रष्ट कहेंगे, ठीक है ना, यानी कि हम इसे हम इसे बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। कौन होते हैं ये, वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी ऊर्जा बिल्कुल समान होती है, ठीक है ना, समान ऊर्जा वाले कक्षकों को क्या कहते हैं, कक्षकों को अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं, अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं, समझे आप लोग कि नहीं, तो अपभ्रष्ट कक्षक जो समान ऊर्जा वाले होते हैं, कौन होते हैं, हाँ उसे हम कहते हैं अपभ्रष्ट कक्षक, ठीक है, देखो अपभ्रष्ट कक्षक समान ऊर्जा वाले को हम कहते हैं कॉपिक रोटी का फिलोसोफ, देखो अरे सुनो मेरी बात, अपभ्रष्ट लगभग तो क्या होता है, अपभ्रष्ट समान ऊर्जा वाले कक्षक भाई, समान ऊर्जा वाले, फिर क्या बोलता है, फिर कहता है अपभ्रष्ट मतलब इन कक्षकों की, एक बात तो ध्यान रखना, ये जो कक्षक हैं इसका नाम भी है dxy dyz dzx dx² - y² dz, ठीक है ना, अब जरूरी नहीं कि ये पहले dxy हो, पहले ये भी आ सकता है z² ना, आगे पीछे, लेकिन है पांचों यही समान ऊर्जा वाले हैं कक्षक, लेकिन इन पांचों कक्षकों की ऊर्जा समान तभी तक बनी रहेगी, समान तभी तक बनी रहेगी जब तक कि केंद्रीय धातु परमाणु जो कि यहां पर कौन है, निकिल है, इसके चारों तरफ एक जैसी बल होंगे, एक जैसे बल होंगे, बल मतलब तुम समझते हो ना, जैसे अब मान लो कि यह है धातु है तो इसके इधर भी हर जगह समान बल है, मतलब इसके ऊपर चारों ओर से बल समान लग रहा है, वो बल हमारा आयनिक बल हो सकता है, ठीक है ना, मतलब स्थिर विद्युत की बल हो सकता है, कोई भी बल हो सकता है ना, बेटा समझा रहा हूं, समझ ले इसको जो बात कर रहा है, देखो अब क्या हो गया, तब तक तो ये अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहेगी, मतलब इनकी ऊर्जा तब तक समान बनी रहेगी पांचों की, कब तक, जब तक कि धातु परमाणु आयन के चारों ओर ऋणावेशों का एक गोलीय सममित क्षेत्र रहता है, क्या रहता है, गोलीय सममित क्षेत्र, मतलब देखो नेगेटिव है ना, ऋणावेश एक जैसा है, सममित का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा समान, और जहां ऊंच नीच हुई, समझते हो ऊंच नीच, अरे वो घर वाले कहते हैं वो वाले ऊंच नीच नहीं, कि ऊंच नीच हो जाएगा,
ऊंच नीच का मतलब है असमान आवेश, क्या असमान आवेश जहां पर हुआ वहां पर क्या हो जाएगा उसका विपाटन, क्या हो जाएगा फिर ये अपनी अपभ्रष्टता खो देगा, ठीक है ना। जैसे ऊंच नीच होने पर अपनी जो है ना वो अरे रिस्पेक्ट खो इमेज वो खो देते हैं, ऐसे ही ये भी अपना खो देता है अस्तित्व, नहीं इसका विपाटन हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। देखो तो आपने ये फटाफट से यहां तक लिखो, रहता है तक लिखो बस, और कुछ मत लिखो, ठीक है ना। और ऐसे लिखो, सुनो मैं बताऊं, पॉइंट बनाओ, ऐसे पॉइंट ऐसे बनाओ, पहले पॉइंट में लिखो क्रिस्टल चित्र सिद्धांत स्थिर वैद्युत मॉडल है जिसके अनुसार लिगेंड आयनिक आबंध है जो धातु आयन और लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, पहला पॉइंट लिख दो, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखो ऋणावेशित लिगेंडों को एक बिंदु आवेश के रूप में और उदासीन लिगेंडों को बिंदु द्विध्रुव के रूप में माना जाता है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में लिखो किसी विलगित गैसीय धातु आयन के 5d कक्षकों की ऊर्जा का मान बराबर होता है, इसे हम लोग अपभ्रष्ट कक्षक अवस्था में होंगे, ठीक है ना, और कहते भी है ये, फोर्थ पॉइंट हो गया। पांचवे पॉइंट में लिखो यह अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक कि धातु परमाणु या फिर आयन के चारों ओर ऋणावेशों का एक गोलीय सममित क्षेत्र रहता है, ठीक है ना। तुमको ना ये वाला बात ना समझना होगा अच्छे से, कौन सी वाली बात, ये वाली बात कि धातु परमाणु या आयन के चारों ओर ऋणावेशों का एक गोलीय सममित क्षेत्र रहता है, इस बात का तुमको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो निकिल है इसके चारों तरफ कैसे एक जैसे क्षेत्र है, किसका, ऋणावेशों का, है ना। तुम लोगों ने एक चीज और सीखा होगा फिजिक्स में पहले अध्याय में कहीं ना कहीं, देखो कि जब भी कोई प्लस आवेश होता है ना तो उसके चारों तरफ अपने आप नेगेटिव का एक क्षेत्र बन जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, अपने आप क्षेत्र बनता है नेगेटिव का, इसी प्रकार। अच्छा, और ये जो बनता है क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र एक जैसे होते हैं, मतलब ये नहीं कि यहां पर कम यहां पर अधिक, बिल्कुल सममित बनते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये जो निकिल है, निकिल इस, ये निकिल धातु परमाणु है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, आया नहीं है, प्लस दो वाला हो गया, तो ये प्लस दो वाला हो गया तो इसके चारों तरफ अपने आप क्या बनेगा, नेगेटिव आवेश का एक सममित गोलिया क्षेत्र बनता है, ठीक है ना, गोलिया बिल्कुल एक जैसा है बिल्कुल, और ये तब तक बना रहता है जब तक कि हाँ आवेश बिल्कुल सममित हो, ठीक है। कॉपी करो, फिर अभी हम इसको आगे और समझेंगे, ठीक है। इस लाइन को ना आप ये सब लिख लेना, इसको आप लोग लिख लेना कि भैया निकिल होता है, निकिल क्या, कोई भी डी ब्लॉक के तत्व होंगे उसके अंदर पांच होंगे डी कक्षक, ठीक है, नाम उनका ये रहे, और ये कैसे होते हैं, समान ऊर्जा वाले होते हैं कक्षक, उनको हम लोग कहते हैं अपभ्रष्ट कक्षक, ठीक है ना। छाप लो इसको, फिर हम मिलते हैं अभी आगे ब्रेक के बाद। देखो ये जो मैंने गोला बनाया ये है क्या, यह है सम्मित, क्या है ये सम्मित, है ना, सम्मित ऋणावेशित, ऋणावेशित गोलीय क्षेत्र है कि नहीं, गोलीय क्षेत्र, ठीक है भाई। ये तब होता है जब कोई लिगेंड जुड़ा हुआ नहीं है, कोई लिगेंड आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई लिगेंड अगर नहीं है जुड़ा हुआ तो ये होता है उसका सममित ऋणावेशित गोलीय क्षेत्र, ठीक है। अब ये इसकी जो सममित है, संभ्रंष्ट देखिए, जो अभ्रष्टता है ये तभी तक बनी रहेगी जब तक कि कोई लिगेंड इसको अप्रोच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात मैं क्या कह रहा हूं। तो हमको अगले पेज पे चलना है, और अब यहां पर ये लिखना है कि लिखो सीएमए के पांचों डी कक्षकों की अपभ्रष्टता तभी तक बनी रहती है जब तक कोई लिगैंड
आबंधित ना हो, आबंधित ना हो, ठीक है, छाप लीजिए इसको। ठीक है, अब लिगेंड को तो आबंध बनाना है, क्या करना है, तो कहां जाएंगे वो, पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, सीएमए के पास, है कि नहीं। अब हम यहां पे लिखेंगे जब, अब सुनो, जब नेक्स्ट पॉइंट में, जब लिगेंड सीएमए के अधिक पास होते हैं, अधिक पास क्यों होते हैं भाई, देखो सुन ध्यान से, अब यहां मान लो एम है, क्या है, अब लिगेंड भाई सब आएंगे तो इसके बिल्कुल पास जाएंगे ना, चिपकने के लिए, आकर्षण करने के लिए, तो जब ये इसके पास जाएगा तो इसके ऊपर क्या आवेश होता है, और इस पर भी आवेश होता है, तो जब दोनों बिल्कुल पास आएंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, लिगेंड के कक्षक और ये जो केंद्रीय धातु परमाणु के है डी कक्षक कौन होता है, तो ये क्या हो सकता है, जब ये लिगेंड बहुत पास आएगा एम के, तो एम का जो डी के कक्षक है पांच, वो कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे उनके बीच में, अरे ये जो कक्ष, ये जो एम है केंद्रीय धातु परमाणु, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आप भी भरते रहते भी, जो युग्मित हो रहे थे वीवीटी में, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में, और जो लिगेंड है उसके पास भी तो होता है इलेक्ट्रॉन जोड़ा, जो देगा वो, तो वो इलेक्ट्रॉन और अंदर के इलेक्ट्रॉन सीएमए के, जब लिगेंड पास आता है तो उनके बीच में होता है प्रतिकर्षण, क्या होता है प्रतिकर्षण, मतलब समझ रहे हो, धकेलता है दूर, तो वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो कर रहे हैं प्रतिकर्षण, लेकिन इसको लिगेंड को फिर भी पास जाना है, फिर भी आबंध बनाने के लिए, है कि नहीं, तो भाई साहब पास जाना है तो ये पास जाएगा, और प्रतिकर्षण इतना अधिक हो जाएगा कि इस ये अपनी जो सममिति है ना, सममित गोलीय क्षेत्र, वो असममित हो जाता है, वो असममित प्रतिकर्षण की वजह से, ठीक है ना, और जैसे असममित होगा तो अपभ्रंश के बाद संभ्रंश बनेगा कक्षक, क्या बनेगा, संभ्रंश कक्षक बनेगा, जिनकी ऊर्जाएं अलग अलग नहीं होती, ठीक है ना, तो आप इसमें लिखो अधिक पास होते हैं उनमें, उनमें उनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण अधिक होता है, ठीक है ना, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, तो प्रतिकर्षण बढ़ने से क्या होगा, जिसके कारण यह क्षेत्र असममित हो जाता है, जिसके कारण यह क्षेत्र असममित हो जाता है, अपनी सममिति खो देता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अतः अपभ्रष्ट डी कक्षकों की अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है, ठीक है ना, तो और वो क्या बन जाएंगे, वो संभ्रंश कक्षक की तरह व्यवहार करने लगेगा, ठीक है ना, मतलब उनकी ऊर्जाएं अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना, और यह लिखना,
समाप्त हो जाती है जिससे पांच डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है, विपाटन हो जाता है। ठीक है भाई, कक्षकों के इस विपाटन को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ठीक है ना कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि जो कक्षक थे पांच वो टूट जाएंगे। ये लिख लिया, देखो तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कक्षक डी थे ना, कितने थे मेरे पास कक्षक थे डी के, कितने पांच थे ना भाई, चार हो गया पांच हो गए, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये पांच है ना। ये तब है जब सममित गोलीय क्षेत्र है, किसके ऋणावेशों का, ऋणावेशों के सममित गोलीय क्षेत्र की उपस्थिति में पांचों डी कक्षक ऐसे रहते हैं। ठीक है, अब लिगेंड पास आएंगे ना, बॉन्डिंग होनी है तो लिगेंड पास आएंगे, जब लिगेंड पास आएंगे तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा। मान लो अभी लिगेंड थोड़ा सा पास आया है, प्रतिकर्षण थोड़ा सा हुआ है, तो प्रतिकर्षण जैसे ही थोड़ा सा हुआ तो उससे क्या हुआ पता है, उससे हुआ ये कि इसकी ऊर्जा एक साथ बढ़ गई सबकी, इसकी ऊर्जा सबकी एक साथ बढ़ गई, इनकी ऊर्जा एक साथ सबकी बढ़ गई, सबकी एक साथ बढ़ गई। देखो बढ़ गई नहीं बढ़ गई, इनकी ऊर्जा एक साथ सबकी बढ़ गई, तो यहां पर क्या है, यहां पर यह है कि प्रतिकर्षण के कारण अधिक ऊर्जा ठीक है के उपस्थिति में, अधिक ऊर्जा के उपस्थिति में लेकिन अपभ्रष्टता अभी भी बनी हुई है, अपभ्रष्टता अभी भी बनी हुई है ना, अभी भी है। ठीक है भाई, सुनो पहले समझ लो भाई, पहले बना लेना है ना, तुम लोग समझ नहीं पा रहे मैं क्या लिखवा रहा हूं भाई, तुम्हें समझा रहा हूं, समझो ना पहले, सुनो मैं कह रहा हूं कि ये जो पांच है डी के कक्षक, अभी पांच की ऊर्जा बिल्कुल एक जैसी है, लिगेंड अभी नहीं आए हैं, सममित गोलीय क्षेत्र है किसका, आवेशों का, ऋणावेशित का, उसके बाद लिगेंड पास आ रहे हैं, तो लिगेंड जैसे पास आ रहे हैं तो उनकी प्रतिकर्षण बढ़ रहा है, प्रतिकर्षण बढ़ने से ऊर्जा बढ़ रही है, पहले ऊर्जा यहां पर था, ऊर्जा यहां पहुंच गया, ये ऊर्जा में पहुंच गया ना, तो अब पांचों की ऊर्जा एक साथ बढ़ी, पांचों की ऊर्जा प्रतिकर्षण के कारण अधिक ऊर्जा की उपस्थिति में लेकिन अपभ्रष्ट, ये आप है ठीक है भाई,
डीजनरेसी अभी भी है, मतलब पार्टी कोडिया समान अभी तक है। अब क्या होगा, लिगेंड तो भाई रुक नहीं रहा ना, वो तो आता ही जा रहा है, उसको तो बॉन्ड बनाना है। तो जब ये लिगेंड और पास आएगा तो क्या होगा, होगा ये कि इसकी प्रतिकर्षण और बढ़ेगी, और जब हद से ज्यादा बढ़ जाएगा प्रतिकर्षण तो क्या हो जाएगा पता है, तो फिर फट जाएगा। वो कह रहा है फट जाएगा नहीं, अब बॉन्डिंग टूट जाएगी। ये जो कक्षक 5 है ना, ये इतना ज्यादा प्रतिकर्षण झेल नहीं पाएगा, और फिर 3 और 2 कक्षकों में ये टूट जाएगा। कितने में? 2 ऊपर भाग जाएगा और 3 नीचे भाग जाएगा, ठीक है ना। देखो, दिख रहा है, मतलब 5 में से 3 तो नीचे, 3 तो नीचे दिख रहा है, और 2 ऊपर, 2 तो ये जो 2 और 3 के जोड़ों में टूटा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो जो 3 वाला है इसको बोलेंगे T2G कक्षक, T2G कक्षक, ट्रिपली डिजनरेट ऑर्बिटल, यानी कि तीनों समान ऊर्जा वाले है ना, तो इसको बोलते हैं T2G कक्षक। और ये जो ऊपर है उसको बोलेंगे EG कक्षक। EG बोला मैंने, EG क्यों बोल रहा है फिर बेटा, अपनी तरफ से कुछ जोड़ा मत करो ना। EG हो गया, T2G हो गया। तो 5 कक्षक थे, 5ों 2 और 3 में टूटे। क्यों टूटे? लिगेंड के प्रतिकर्षण हुए, लिगेंड पास आए, प्रतिकर्षण बढ़ा, प्रतिकर्षण बढ़ने से क्या हुआ, सह नहीं पाया इतना ज्यादा प्रतिकर्षण, तो ये टूट गया, है कि नहीं। अब टूट गया तो 3 और 2 के उसमें टूटता ही है, तो 3 वाले को बोलते हैं T2G और 2 वाले को बोलते हैं EG। अब जरूरी नहीं कि T2G हमेशा नीचे जाए, T2G ऊपर भी जा सकता है, EG नीचे भी आ सकता है, लेकिन कब नीचे कब ऊपर जाएगा ये आगे समझाएंगे, ठीक है ना। अलग अलग संकुलों में अलग अलग होता है, ये होता है, इसको डायग्राम बनाओ, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से ना। और इसके नीचे आप इसमें लिखना, कक्षकों की यह विपाटन संकुल की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। यहां लिखना था 5D कक्षकों का यह विपाटन संकुल की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब संकुल अष्टफल क्या है या फिर चतुष्फल क्या है, मतलब CN जो होता है उप सह संयोजन संख्या 6 वाला संकुल होगा तो अलग प्रकार से होगा विपाटन, और अगर 4 वाला होगा तो अलग, किस प्रकार से होगा यह निर्भर करता है उसकी उप सह संयोजन संख्या यानी संकुल की प्रकृति पर। 5D कक्षकों का यह विपाटन संकुल की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ में आ रही बात, ये चीज यहां पर आप देखो ध्यान से, इससे अलग कोई कुछ नहीं पढ़ाता, कितने बड़ा क्यों ना हो, आकाश वाले अलीन वाले ये दुनिया वाले ना, कुछ नहीं पढ़ाता, सब ही चलता है, ठीक है भाई। कॉपी करो, चलो आगे बढ़े। सुनो को क्या है, विपाटन हो रहा है, विपाटन का मतलब क्या है, टूटना, कक्षकों का सेट बनता है, सेट मतलब होता है 2 का और 3 का सेट बनता है ना, तो 2 कक्षक ऊपर
जरूरी नहीं कि दो ही जाए, तीन ऊपर जा सकता है, लेकिन दो वाले को बोलेंगे इजी, ये ध्यान रखना ठीक है ना, क्या बोलेंगे इजी कक्षा, इक्वली डिजनरेट बोलते हैं इसको, इक्वली जनरेटेड ऑर्बिटल, इसे बोलते हैं टी टू जी, ट्रिपली जनरेटेड ऑर्बिटल, ठीक है ना, टी टू जी बोलते हैं इसको नाम। लेकिन कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा ये निर्भर करता है संकुल की प्रकृति कैसी है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले, हमारे पास दो ही टाइप के तो संकुल है हमारे कोर्स में, एक तो चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय मत कहो, आप उसे कह सकते हो ऐसा संकुल जिसका उपसह संयोजन संख्या चार है या फिर छह है, कितने छह है, छह वालों को बोलते हो अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय की पहले बात करें, ठीक है ना, लिखो अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय संकुलों में अष्टफलकीय कह लो या फिर सी एन नंबर बराबर छह, सी एन बराबर छ वाले संकुलों में, संकुलों में विपाटन, विपाटन ठीक है भाई, स्प्लिटिंग करनी है हमें, क्या करनी है स्प्लिटिंग करनी है। तो इस स्प्लिटिंग कैसे होगी, दो कह रहे हैं बराबर से स्प्लिटिंग, अष्टफलकीय रिपीट है ना, विपाटन से पहले आपको ना ये सीखना है कि डी जो कक्षक होते हैं, डी जो कक्षक होते हैं वो उनकी आकृति कैसे होती है ना। अब जिसने ग्यारहवीं पढ़ रखी है उसको तो आएगा, जिन्हें नहीं पढ़ रखी उसको नहीं आएगा, लेकिन पहले मैं समझा दे रहा हूं ठीक है, देखो ध्यान से, अष्टफलकीय सब लोग जानते ना ऐसा होता है, अरे देखो सर अष्टफलकीय ऐसा रहता है आकृति, सभी जानते हो है ना, अष्टफलकीय देखो, बीच में क्या होता है धातु होता है, तो ये ऐसे बंद बनाते हैं ना अष्टफलकीय, हम बात कर रहे हैं, तो चार तो ये हो गए, एक रहता है ऊपर एक रहता है नीचे, अष्टफलकीय मैं बात कर रहा हूं। अब ये हो गया आपके इधर से, तो ये जो बनाती है संरचना ये कुछ ऐसे बनाती है ठीक है, ये ऐसे भी रहते हैं ठीक है ना, और ये फिर ऐसे इधर से ठीक है, तो ये यहां पर ना ऐसे रहते हैं, ऐसे ये अष्टफलकीय होती है हमारी संरचना ठीक है ना, ये थ्री डी में है ना, तो इसलिए अष्टफलकीय ये। अब ये तो तुम्हारी हो गई, अरे तुमने पहले तो बना चुके हो ना बीबीटी में, तो वही ये लिख लो। अब हमारे पास होता है डी एक्स वाई, क्या होता है डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और डी जेड स्क्वायर, पांच होता है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी संरचना कैसे होती है, मतलब इनमें से कौन कौन से कक्षक अक्ष पे होते हैं और कौन से अक्ष पे, तीन टाइप के अक्ष होते हैं आप सब लोग जानते हो आपके कोर्स में, तीन डी में, एक्स और वाई है कि नहीं, एक्स वाई हो गया, तो एक्स वाई और ये आपको क्या जेड, तो जो एक्स वाई होता है, जो एक्स वाई होता है वो कहां रहता है, वो एक्स वाई के बीच में रहेगा, ऐसे हमेशा कहां रहेगा, दिख रहा है डी एक्स वाई कक्षक है, ये एक्स के बीच में है, एक्स के एक्स और वाई के बीच में नहीं है, देखो अरे है क्या नहीं, ये हो गया जेड, क्या हो गया जेड ठीक है ना, मतलब ये एक्स वाई के बीच में होता है, कोई ऐसे रहेगा, डबल डम्बल होगा ना डी, तो आपको ऐसा मिलेगा, मतलब एक्स वाई के बीच में होता है हमको पता होना चाहिए। फिर कौन आता है, फिर आता आपका डी वाई जेड, कौन आता है वाई जेड, देखो मान लो ये
एक्स है, चलो मान लो ये वाई है, ये जेड, क्या है ये जेड, तो इसके बीच में रहेगा ऐसे, अब ये एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक्स है, ठीक है, ठीक है भाई। अब तीसरा आता है इसमें वाई जेड, टी वाई जेड, जेड एक्स है, जेड एक्स है, जेड एक्स हो गया। ये ना इसको मैं उठा करके इधर भेजता हूँ, जेड स्क्वायर को, ठीक है, साइड में इसको रखो इधर, देखो दिख रहा है, जेड एक्स है ना, ये मान लो एक्स, ये मान लो जेड, इसके कक्षा बिल्कुल बीच में रहेगा ऐसे, ये थोड़ा सा लंबा कर लो, अब आप देखो ध्यान से, ये तुम्हारे तीन हो गए कक्षा, कितने हो गए, इन तीनों को हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, यानी जो अक्षों के मध्य में लाई करता है, इनके लोब, लोब मतलब ये पालियां, ये पाले ना, इन कक्षकों के, इन कक्षकों, कक्षकों के की पालियां, पालियां अक्षों के मध्य, कहां अक्षों के मध्य स्थित है, नहीं है, स्थित है, ठीक है भाई, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉन एक्सियल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसमें कुछ ऐसा नाम लिखा नहीं, ठीक है ना, पालिया, पालिया लिखा, पालिया, पालिया अक्षों के मध्य स्थित है, कहां स्थित है, बिल्कुल बीच में से, ठीक है ना, इन्हें कॉपी करो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, ये तीन है, ये कौन है, तीनों, ये तीनों कहां पर है, अक्षों के बिल्कुल बीच में, देखो ये बीच में है, कोई भी अक्ष के ऊपर है क्या, नहीं, नहीं कोई भी अक्ष पे नहीं है, सब अक्षों के बीच में है, ये कक्षक डी में जो पांच होते हैं उसमें तीन तो ये रहे, दो बनाऊंगा इसके बाद, ठीक है ना, इसे कॉपी करो, इतने पहले ये लो एक साथ कर दो ना, ये बन गया एक साथ, है ना, कॉपी करो, ठीक है ना, चापो इसको, आ जाओ, देखो अब कौन सा आएगा भाई, अब आएगा दो, जो 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 दो रह गया ना वो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो कक्षक होगा ये एक्स और वाई पर ही होगा, कहां पर होगा, देखो सुनो, देखो ऐसे रहेगा, ये रंग ठीक नहीं है, अंधा हो गया तो, ठीक है, ये कहां पर है बताओ, ये है अक्ष के अलोंग, यानी कि अक्ष के अनुदिष्ट, अनुदिष्ट सॉरी, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे ना, लिख रहा है, ये इसके अंदर का मिट जाएगा, ये इसके अंदर होता नहीं, ठीक है ना, तीन डी में ना पीछे से निकल रहा है वो, कहां से निकल रहा है, पीछे से निकल रहा है, ठीक है ना, देखो मतलब आपको हम दिखाना चाह रहे कि बनता कैसे है, देखो ये कौन हो गया एक्स एक्स, कौन हो गया तो ये एक्स एक्स, ये तुम्हारा हो गया इधर वाई एक्स, ठीक है भाई, ये हमारा इधर हो गया वाई एक्स, और बिल्कुल इधर से निकलता है ये ऐसे चलता है, ठीक है भाई, ये अक्ष पर है कि नहीं, बताओ अक्ष पर ना,
ये थोड़ा बड़ा छोटा बनेगा, ठीक है ना, या बिल्कुल इक्वल साइज का बना लो, ठीक है। एक है डी जेड स्क्वायर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ना इन सभी का ना आकृति पता होना चाहिए, अब ये हेल्प देगा तुमको समझने में कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इधर ये एक्स हो गया, इधर ये वाई हो गया, उधर ये जेड, ठीक है। तो इसका भाई साहब ये जो है कुछ ऐसा बनता है और ये कुछ ऐसा बनता है, छोटा छोटा हो गया, ठीक है ना। अब देखो तो ये ऐसे है, ऐसे दिख रहा है, और ये सबके सब ना ऐसे इधर पहुंच जाते हैं, ऐसे बोल, ठीक है ना भाई। इसमें चार लोब होता है ना, चार पालियां है इसके अंदर, तो दो पाली जेड में तो जेड पे रहते हैं, और जो दो पाली जो बचे चार में से, वो दो क्या हो गए, इस मूल बिंदु पर आकर के ना ऐसे सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। और सर इलेक्ट्रॉन इसी में होता है, इस पाली में इलेक्ट्रॉन होगा, इस पाली में इलेक्ट्रॉन होगा, इन पालियों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना। कक्षक के अंदर पालियां और पालियों कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इन्हीं में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और यही इलेक्ट्रॉन फिर बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो दोनों है इन्हें हम लोग कहते हैं अक्षीय, इन कक्षकों की पालियां, पालियां कर दिया मैंने, पालियां अक्षों पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, इन्हें अक्षीय पालियां कहते हैं, अक्षीय कक्षक, सॉरी कक्षक कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना, इन्हें कहते हैं हम लोग अक्षीय कक्षक, ये अक्षीय हो गया, और ये हमारे पास जो थे ऊपर वो थे नॉन एक्सियल यानी कि अक्षीय। इनकी पालियां कहां पर है बताओ, अक्ष पर, है ना। ये अब आपको अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग ना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अष्टफलकीय में विपाटन कैसे होता है, ईजी या फिर टी टू जी में से कौन सा कक्षक का सेट ऊपर रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, डिटेल में समझेंगे इसको अच्छे से, फिर आएगा मजा, ठीक है। छप गया, छापो फटाफट, छाप लो यार, है ना। तो कक्षक पढ़ लिया, कक्षक पढ़ने के बाद में देखो अब ध्यान से सुनो, अब होगा क्या, हमको तो ये सीखना है, हमको ये सीखना है कि जो लिगेंड होते हैं ना वो जब अप्रोच करते हैं, अप्रोच का मतलब होता है निर्दिष्ट होते हैं, मतलब उसकी ओर जाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। अब सुनो ध्यान से देखो, अरे सिट, ऐसे हो गया, थोड़ा सा ज्यादा लंबा बन गया, दिख रहा है भाई, ये तल और यहां पर क्या होता है एम। अब देखो लिगेंड, तो अब इसके एक्स वाई जेड एक्स होते हैं एक्सिस, नहीं होते एक्सिस, एक एक्सिस आपका मान लो ऊपर से आ रहा है, एक नीचे था, है कि नहीं, एक आपका था ऐसे, अरे था नहीं था, था ना। इसमें देखो ध्यान से, एक एक्सिस तो इसका ऐसे रहता है, ठीक रहा है, एक्स अक्ष ये हो गया, ये वाई हो गया, देखो तो हमारे पास जेड एक्सिस क्या होता है, जेड एक्स होते हैं, ये मान लो ऐसे, दिख रहा है, जेड हो गया, ये मान लो एक्स हो गया, ये मान लो वाई एक्सिस हो गया भाई, थ्री डी में बना रहा हूं, थ्री डी में देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस ये हो गया,
ये थोड़ा ऐसे आएगा, ठीक है ना जी। इधर होगा इधर वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो लिगेंड कहां कहां से आएंगे? केंद्रीय धातु परमाणु के पास, यहां से आएंगे, यहां से आएंगे, यहां से आएंगे, यहां से आएंगे, और यहां से तो आएंगे लिगेंड, यहां भी लिगेंड होगा करके, इधर लिगेंड होगा, है ना, यहां भी लिगेंड होगा जो पर को निर्देश हो रहे होंगे। दो लिगेंड देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाले जो होंगे लिगेंड, वो अक्ष के अलोंग नहीं आएंगे, अक्ष के अनुदिश तो आएंगे ना। हम ये कहना चाहते हैं यहां पर कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर लिगेंड, लिगेंड अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश सी एम ए की ओर, सी एम ए के ओर, या लिखो सी एम ए के तरफ, क्या लिखू मैं, सी एम ए की ओर निर्दिष्ट होंगे, क्या होंगे, निर्दिष्ट होंगे। अब सुन, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो डी जेड स्क्वायर है, ये अक्ष के ऊपर तो है। अब देख लिगेंड अक्ष के ऊपर, और इसके जो कक्षक होते हैं कौन होते हैं भाई, कक्षक होते हैं वो ऐसे ऐसे तो रहते हैं जी। नहीं, ये कक्षक किसके हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक, देखो ध्यान से दिख रहा है, और यहां से लिगेंड भी आ रहा है, तो लिगेंड का कक्षक वो लिगेंड जो अक्ष के अनुदिश है, और एम जो धातु है उसका वो कक्षक जो एक्स पर है, उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। देखो इसके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक कौन से, ये वाले हो गए, कौन से हो गए, ये वाले हो गए, है ना। तो वाई स्क्वायर ये हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये जो कक्षक है उसके इलेक्ट्रॉन, और लिगेंड भी तो अक्ष के अनुदिश आ रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा करेंगे प्रतिकर्षण, और जो बचे तीन कक्षक एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, वो तो अक्ष पर है नहीं, वो अक्ष के बीच में है, जो बीच में है उसको प्रतिकर्षण कम महसूस होगा, कम महसूस होगा, ठीक है ना, निर्देश होंगे अक्ष के अनुदिश, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिगेंड अक्ष के अनुदिश, कक्षक लिखो यहां पर, ये कक्षक है ना, ये कक्षक अक्ष के अनुदिष्ट अनुदिश होते हैं, ये गलत दिया है ना, अनुदिश अनुदिश होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों और केंद्रीय सी एम ए के इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों के मध्य, इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण के मध्य, क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉनों के मध्य डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स की तुलना में, की तुलना में अधिक क्या होगा, अधिक प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, अरे होगा ना, प्रतिकर्षण होगा। देखो ये जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, वाई जेड और डी जेड एक्स है, ये कक्षक तो अक्ष के बीच में है ना, इससे कम होगा महसूस प्रतिकर्षण, क्यों, क्योंकि ये अक्ष के बीच में है, वहां उसको ज्यादा प्रतिकर्षण दे नहीं पाएगा लिगेंड, लेकिन जो अक्ष के बिल्कुल ऊपर है और लिगेंड भी अक्ष पर ही आ रहा है,
तो आमने सामने टक्कर होएगा, ज्यादा होगा प्रतिकर्षण, है ना। इसके इलेक्ट्रॉन जो अक्ष पर लिगेंड के हैं और जो केंद्रीय धातु परमाणु के जो कक्षक है अक्ष पर, उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आमने सामने टक्कर खतरनाक होगा, तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। तो इसके प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएंगे, है कि नहीं, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा, क्या होगी, ज्यादा, ठीक है ना। जिसके परिणाम स्वरूप, तो हम यहां पर लिखेंगे जिसके परिणाम स्वरूप, क्या लगता है, पूर्ण विराम, जिसके परिणाम स्वरूप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यानी आप इसको क्या बोलते हो, ई जी कक्षक, क्या बोलते हो, ई जी कक्षक, ई जी कक्षक की ऊर्जा, की ऊर्जा टी टू जी से अधिक होगी, क्या होगी, अधिक होगी। अरे समझे कि नहीं, तो अष्टफलकीय में ईजी ऊपर जाता है, अष्टफलकीय में ईजी ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ये छप गया, अभी कानपुर जी समझ रहे हैं, छापो, ठीक है ना। डायग्राम ये वाला बनाओ, डायग्राम बनाओ, ठीक है ना, फिर हम लोग ने इसको ऊपर कर देंगे, तो आप छाप लेना, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो इस प्रकार क्या होता है, अष्टफलकीय में ईजी ऊपर जाएगा, ईजी ऊपर, ईजी ऊपर क्यों जाएगा, ईजी ऊपर जाएगा इसलिए क्योंकि ईजी के जो कक्षक के जो पालियां होती है ना, वो अक्ष के अनुदिश, मतलब अक्ष पर होते हैं, और जो लिगेंड अक्ष पर आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ता है, इसीलिए ऊपर जाता है। ऊपर मतलब समझ रहे हो, ऊपर मतलब ये होता है, देखो ध्यान से, ये था हमारे पास पांच, है पांच, पांच था ये जी। तो ई जी ऊपर गया और टी टू जी नीचे गया, मैं ऊपर दो बना, तो ऊपर दो बनते हैं, उसे बोलते हैं ई जी और टी टू जी नीचे। तो टी टू जी नीचे जाता है, ई जी ऊपर, अष्टफलकीय संकुल में, किसमें, अगर आपको संकुल मिल गया अष्टफलकीय और बोलेगा स्प्लिटिंग दिखाओ इसके अंदर, तो आप ऐसे दिखाओ, ठीक है ना। अब ये पुरानी हुआ है, इसको डिटेल से ना आगे अगली क्लास में समझाएंगे, ठीक है ना, बहुत तरीके से बढ़िया से विन्यास भी आएगा, लिगेंड स्ट्रॉन्ग क्यों है क्यों नहीं है सब बताएंगे, ठीक है ना। तो अगली क्लास में आपको डिटेल में समझाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भी इसका सिखाया जाएगा, पेपर में आता है, विन्यास कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। आपको यहां तक वीडियो आपने हमारा देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, धन्यवाद।